हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कुकिंग इज़ सो इजी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पास्ता की रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास्ता बनाने के लिए या मैंने सबसे पहले लिया है एक पतीला, उसमें 1.5 गिलास पानी, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच। अब हम इसको कवर करके एक बॉयल का वेट करेंगे। देखिए बॉयल आ गया है। अब हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे। यहाँ मैंने आधी कटोरी पास्ता लिया है। एक बार चम्मच से मिला दें और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाएं। यहाँ मैंने एक प्याज लिया है, कैप्सिकम, टमाटो, स्वीट कॉर्न्स और जिंजर ली है। मसालों में मैंने पिज्जा सॉस, ओरिगेनो और पास्ता मसाला लिया है। ये देखिए 8 मिनट के बाद हमारा पास्ता रेडी है। इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फ्राई पैन में 1 चम्मच घी लिया है। जब घी अच्छा गर्म हो जाए तो इसमें जिंजर डाल दें। अब हम इसमें अनियन डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का ट्रांसल्यूशेंट करना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। ऐसे ही अब 1 मिनट तक टमाटर को पकाएं। शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डाल दें और 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से पकाएं। हमें सब्जियों को ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इतना कि इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए। मसालों में यह मैंने 1/2 चम्मच हल्दी ली है। नमक आप थोड़ा देख कर डालें, क्योंकि हमें पास्ता को उबालते वक्त भी हमने नमक का यूज किया था। अच्छे से मिला लें। एक चम्मच पिज्जा सॉस ली है। ओरिगेनो, पास्ता मसाला और टमाटो सॉस को डालकर अच्छे से पकाएं। जब हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं, तब हम इसमें बॉइल्ड पास्ता डालेंगे। अब हमें इसे अच्छे से मिलाना है। ये देखिए हमारा पास्ता बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।